नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा जामा मस्जिद सदर के नेतृत्व में एक आवेदन एसडीएम अनिल जैन को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि शिवनी मालवा शहर में गली मोहल्ले में मनमानी कर रहे शहर के बाहर से मौलाना लाकर घरों घर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। जो लोग घरों घर धार्मिक आयोजन करा रहे हैं वे लोग शिवनी मालवा के स्थायी निवासी न होकर बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं, जिनके नाम है मोइन असलम, आदिल गौरी, हामिद लाला, आजाद शाह गाडरी, मोहम्मद अशरफ बानापुरा, शब्बू। खुले तौर पर मनमानी कर बाहर से मौलाना लाकर शहर में धार्मिक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जिसमें शिवनी मालवा शहर की अमन शांति आपसी भाईचारा खत्म करने की पूर्ण कोशिश की जा रही है। यहाँ की पूर्व में भी मुस्लिम समाज द्वारा एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शिवनी मालवा थाना प्रभारी को सूचना बाबत दिया गया था, जिस पर उक्त संबंधित कुरूतियों को उचित समझाइश दी गई थी। उसके बाद भी उक्त लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों पर घरों घर बनापुरा में मोइन कच्ची द्वारा एवं बलराम पटेल कॉलोनी में अकबर आरिफ बोरवेल वालों के घर एवं गाडरी मोहल्ले में आजाद शाह के घर के बाहर यूपी बिहार नागपुर के मौलानाओं द्वारा धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। इन बाहरी मौलानाओं की सूचना सदर जामा मस्जिद शिवनी मालवा को नहीं दी गई और ना ही इन मौलानाओं को जामा मस्जिद द्वारा धार्मिक अनुमति एवं नियुक्ति दी गई है। अतः यह मांग है कि उक्त संबंधित व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई कर शहर में अमन शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाए। इस बात को लेकर आवेदन दिया गया शिवनी मालवा के अंदर जो रमजान का महीना चल रहा है उसको लेकर एक नमाज, विशेष नमाज का आयोजन होता है रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में, और उसकी पूरी व्यवस्था जामा मस्जिद द्वारा जितनी भी मस्जिदें हैं उसके अंदर की जाती है। इस साल कुछ नए लोग खड़े होकर जगह जगह अपने घरों पे गली मोहल्लों के अंदर नमाजों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हमें आपत्ति इस बात के लिए है कि इसके अंदर सांप्रदायिकता का माहौल फैल सकता है। गली मोहल्लों के अंदर इस तरह की नमाजें पढ़ी जाएंगी या इस तरह का कोई माहौल धार्मिक आयोजन किया जाएगा तो इससे अंदर दूसरे समाज के लोगों को भी और हमें भी इस चीज़ से आपत्ति है कि जब मस्जिदें हैं तो मस्जिदें के अंदर नमाज होनी चाहिए, और नमाज के लिए उन्होंने लोकल व्यक्तियों को छोड़कर कोई व्यक्ति यूपी से बुलाया है, कोई बाहर बिहार से बुलाया है, कोई खंडवा, कोई नागपुर से बुलाया है, तो ये लोग बाहर से आते हैं और इतना इस तरीके से स्पेस देते हैं, इससे धार्मिक उन्माद बढ़ने की शंका रहती है। उस सिलसिले में हमने एडीएम साहब को यहाँ पे आकर सूचना दी थी कि ये इसका कोई रास्ता निकाल दें कि जो बाहर के व्यक्ति जो आ रहा है उस चीज़ को रोका जाए, लेकिन यहाँ पे उसका हमका इस चीज़ का जो उचित हमें आश्वासन नहीं मिला, और उनके तरफ से तो इस तरीके का बोल दिया गया कि आपको जहाँ मस्जिदें बनाना हो बना लें, हर आदमी अपने हिसाब से मस्जिदें बना लेगा, अपने हिसाब से मोला मूल्य मोलवा लेकर आएगा, तो उसी से माहौल फैलेगा, सांप्रदायिकता का भी माहौल बढ़ेगा और आपसी भाईचारा जो है वो भी दूर होगा, और सारी व्यवस्थाएं करने का काम जो है जामा मस्जिद का है। मुझे इस चीज़ की जिम्मेदारी है और मैं इस चीज़ के लिए जगह जगह मस्जिदों के अंदर इमाम नियुक्त करता हूं रमजान की विशेष नमाज के लिए। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।